What's up everyone, and I hope you're all doing okay. So this is a video regarding the update about the PNP of all the provinces in Canada and the new changes are in terms of PR ke regarding is sab cheez ke regarding hai aur aapko kis field ko opt karna chahiye aur kaun si field abhi demanding hai and kaun si field best hai in terms of PR right now the current situation 2024 mein 25 mein 26 mein. देखो ये जो चीज़ें बताऊंगा ना ये पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी होगी, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ पीआर. और इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स ऐसी है जिसमें आपको सिर्फ 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए, 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए. आप चाहे कैनेडा में एक्सपीरियंस हो, चाहे आपकी होम कंट्री के अंदर एक्सपीरियंस हो, लास्ट 3 ईयर्स में फुल टाइम जॉब हो, 30 आवर्स पर वीक हो, सो यू आर एलिजिबल. You have experience, you have a qualification, you have a degree or diploma certificate in this particular field, you will be eligible. So मैं सारे streams के regarding बात करूँगा and जितने जितने province हैं, हर province में जो भी PNP का जो भी score चल रहा है और जो भी new updates आ रहे हैं तो मैं सबके regarding बात करूँगा. Before moving forward, if you're new to my channel, subscribe and like and share ज़रूर करना. And if you have any question regarding anything regarding LMI, study visa, visitor visa, आपको कोई भी visa लगाना हो, चाहे business visa, investment visa, कुछ भी लगाना हो, if you need any help regarding Canada, any help, just let me know in the comment section or DM me on Instagram. You can book a session also. You have to pay nominal fees. अगर आपको LMI job चाहिए, you can share me all your details, your name, contact number, email ID and current location where you're living right now. आप मुझे भेज सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट. डजंट मैटर आपकी कोई भी फील्ड हो, आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आई विल हेल्प यू आउट. सो शुरुआत करने से पहले इफ यू न्यू टू माय चैनल सपोर्ट जरूर करना. बात करते हैं न्यू प्रिंसिपल के रिगार्डिंग. तो अभी आपको जो स्ट्रीम में शोर होगा, ऑब्वियसली बात है न्यू प्रिंसिपल में जितने भी एम्प्लॉयर्स है और जो स्टूडेंट कनेक्शन स्कीम थी अंडर PNP उसको रोक दिया गया है. इट्स अ टेम्परेरी वन, बस रोक दिया गया है. अगर मैं आपको यूकॉन प्रोविंस के रिगार्डिंग बात करूं तो यूकॉन में भी PNP को रोक दिया गया. डेट मीन्स यूकॉन नॉमिनेशन प्रोग्राम को अभी एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया गया है. जो लास्ट टाइम एप्लीकेशन ली थी 500 एप्लीकेशन ली थी, बिकॉज लाइक जितने भी स्लॉट्स थे इन टर्म्स ऑफ PR वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं. अगर मैं सस्कैचवान के रिगार्डिंग बात करूँ, सस्कैचवान में 11 जनवरी 2024 को डिमांड कैटेगरी को बंद कर दिया गया था, टेम्परेरी क्लोज किया गया था और उन्होंने कहा था कि जून में या जुलाई में ओपन कर देंगे, लेकिन अभी तक ओपन नहीं किया गया है, लेकिन इसे अपडेट किया गया है और इन्हें बोला है कि इसे ओपन करेंगे. बट राइट नाउ द करंट टाइम जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक ओपन नहीं किया गया है. इफ आई टॉक अबाउट द ऑन्टेरियो में बहुत सारे PNP के स्लॉट्स नए ओपन स्टार्ट करे हैं, नई नई स्ट्रीम्स को ऐड किया है, अराउंड 34 स्ट्रीम्स को ऐड किया है जो भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है. इसके रिगार्डिंग मैं आगे बात करूंगा. तो इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा और स्पेशली ऑन्टेरियो प्रोविंस के, तो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, पब्लिक कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो और आप इन चीज़ों में फॉल करते हो, इन फील्ड में, इन स्ट्रीम में फॉल करते हो, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. एंड इफ आई टॉक अबाउट द नोवा स्कोशिया के रिगार्डिंग, तो नोवा स्कोशिया ने एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया गया है हॉस्पिटैलिटी एंड फूड इंडस्ट्री के रिगार्डिंग. जो किचन हेल्पर, फूड काउंटर अटेंडेंट, कैशियर की जॉब होती थी उसमें नोवा स्कोशिया में जाओगे PNP में नहीं फाइल कर सकती, AIP के अंदर फाइल कर सकते हो, लेकिन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम उस पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर PR के लिए आप फाइल नहीं कर सकते हो, तो वो बंद कर दिया गया. इफ आई टॉक अबाउट द ब्रिटिश कोलंबिया, तो ब्रिटिश कोलंबिया ने न्यू स्ट्रीम लॉन्च करी थी. जो बैचलर डिग्री लेते हैं, जो बच्चे स्टडी वीजा पे आते हैं और जो बैचलर डिग्री पे जाते हैं, मास्टर डिग्री पे जाते हैं और जो डॉक्टरेट स्ट्रीम पे जाते हैं, बट ये 2025 से स्टार्ट होगी. सो मीन्स फ्रॉम द जनवरी इंटेक 2025 से स्टार्ट होगी. एंड इफ आई टॉक अबाउट द मैनिटोबा एंड न्यू फाउंड लैब्राडोर में, तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं, जैसा था वह चल रहा है. लेकिन मैनिटोबा ने द मंथ ऑफ मार्च में जो PNP के डिले थे, ड्रॉस नहीं हो रहे थे, उनको उन्होंने बोला था कि हम अभी ड्रॉ करेंगे. उन्होंने 2 ड्रॉ निकाले हैं, लेकिन जो बच्चों का वर्क परमिट खत्म होने वाला था, इवन जो बच्चे डिफरेंट प्रोविंस से मैनिटोबा मूव हुए थे, जो बच्चों ने मैनिटोबा में स्टडी करी थी, वहीं पर एक्सपीरियंस लिया था, उन सब बच्चों को उन्होंने एक्सटेंशन जरूर दिया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने. लेकिन अभी ड्रॉ के क्या चांसेस हैं, अगर आपको मैं एक चीज कहना चाहूँगा मैनिटोबा के रिगार्डिंग, मैनिटोबा में जॉब मिलना करंट सिनेरियो में मुश्किल है. दूसरी चीज, PNP के ड्रॉ हो नहीं रहे हैं. तीसरी चीज, अगर मैनिटोबा में जाते हो तो या तो स्किल्ड लेबर में जाना या तो स्किल्ड वाले कोर्सेज लेना. सिंपल कोर्स लोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ड्रॉ निकल नहीं रहे और कॉम्पिटिशन काफी हाई है. अगर आप मुझसे पूछो विच प्रोविंस यू हैव टू ऑप्ट इन टर्म्स ऑफ करंट सिनेरियो 2024 में 25 में 26 में, अगर आ रहे हो, या तो अटलांटिक में जाओ, 2 ईयर की स्टडी करो, या तो RNIP कम्युनिटीज में जाओ, 11 कम्युनिटीज है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है,
पांच ओंटेरियो में, अल्बर्टा, सस्कैचवान, मैनिटोबा, तो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर, या तो यूकॉन प्रोविंस में जाओ, यूनिवर्सिटी ऑफ यूकॉन में जाओ, कोई भी 2 ईयर की स्टडी करो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करो, एंड यू विल बी एलिजिबल अंडर द YNP। एक चीज मैं कहना चाहूंगा यूकॉन के रिगार्डिंग, देखो यार यूकॉन में ड्रॉ जो एप्लीकेशन थी वो लेना उन्होंने बंद कर दिया, एंड दैट्स टोटली ट्रू। देखो 500 एप्लीकेशन उन्होंने लास्ट टाइम ली थी, उनके पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं टर्म्स ऑफ ईयर, लेकिन जब आप एक बार एलिजिबल हो जाते हो ना, आई विल गिव यू 99% श्योरिटी कि आपको वहाँ पे PR मिलेगा। अगर आप स्टडी करते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो फुल टाइम, आप एलिजिबल हो जाते हो, आप फाइल लगाते हो YNP के अंदर, मीन्स PNP के अंदर, 1 महीने, 5 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, 1.5 साल लग जाएगा, लेकिन यस आपको PR मिलेगा ज़रूर। क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस से, और सब बहुत सारे लोग यूकॉन मूव हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ PR। सो दैट्स वाई कॉम्पिटिशन इज हाई, बट वंस यू एलिजिबल इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट द PR। थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ बैकलॉग्स और स्लॉट्स थोड़ी लिमिटेड है, बट यस मिलेगा ज़रूर। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता था कि जो ब्रिटिश कोलंबिया के रिगार्डिंग आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन सी जॉब्स को ऑप्ट करना चाहिए। एक आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जो ये नॉमिनेशन ड्रॉ निकला था ब्रिटिश कोलंबिया का, अगर आप ड्रॉ चेक करोगे तो आप ये देखोगे जो भी जनरल ड्रॉ था, जो जनरल ड्रॉ है उसमें 35 इनवाइट्स थी, और जो CRS स्कोर गया है वो 110 से 134 गया है। आप बाकी जितने भी आप ड्रॉ देखोगे, जितनी भी आप इंडस्ट्री देखोगे, या तो वो चाइल्ड केयर है, या तो हेल्थ केयर है, या तो वेटनरी केयर है, या तो कंस्ट्रक्शन है, मीन्स इनको स्किल्ड बेस चाहिए। और हेल्थ केयर से रिलेटेड यहाँ पे कनाडा में बहुत बहुत ज़्यादा कमी है, हद से ज़्यादा कमी है। लास्ट 1 वीक में 10,000 ITs प्रोवाइड करे गए हैं कैनेडियन गवर्नमेंट ने बाय द RCC। और अगर आप इसमें ड्रॉ देखोगे थ्रू द एक्सप्रेस एंट्री, जो जितने भी ड्रॉ हुए 1800 ड्रॉस थे ट्रेड्स के रिलेटेड, मीन्स प्लम्बर, मैकेनिक, कारपेंट्री, इनसे रिलेटेड, जिसका CRS स्कोर गया था 436। अगर आप PNP ड्रॉ देखोगे वो गया था 920 ITA प्रोवाइड किए गए हैं इन्विटेशन टू अप्लाई, और इसका CRS स्कोर गया था 739, और 739 आना बहुत मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस इफ यू हैव अ इनविटेशन लेटर फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोविंस या बहुत ट्रेड के अंदर हो। और अगर आप तीसरी चीज देखोगे वो है हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, इसमें 3750 ITA दिए थे, मीन्स PNP इन्विटेशन लेटर दी थी, इसका CRS स्कोर गया था 445। और अगर आपको फ्रेंच आती है इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब, इन टर्म्स ऑफ फुल टाइम जॉब, और फ्रेंच बेस के बहुत सारे ड्रॉ निकल रहे हैं इस साल, कम से कम 8 से 9 ड्रॉ निकल चुके फ्रेंच के, और जो लास्ट ड्रॉ निकला था वो 3200 ITA प्रोवाइड किए गए, और जिसका CRS स्कोर गया था 420। इससे पहले 336 भी गया था, 350 भी गया था, 380 भी गया था, मीन्स बहुत ईजी है। अगर आपने फ्रेंच, अगर आपको आती है, आपको कुछ नहीं करना, आपको टेस्ट डिवर्शन एग्जाम का एग्जाम देना है, टेफ का, TCF का, DEF का। वंस यू क्लियर क्या करना होता है, जितना ज़्यादा स्कोर आएगा उतने ज़्यादा के पॉइंट्स बनेंगे, और जितने ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे उतने ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ CRS में, तो इट्स दैट इजी। सो इफ़ यू थिंक कि मेरे को जॉब करनी है और मेरे पास स्किल्स नहीं है, सो आई वुड से लर्न फ्रेंच, इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ PR, इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब, इन टर्म्स ऑफ फुल टाइम जॉब। और फ्रेंच की बहुत डिमांड है कनाडा में, डजंट मैटर विच प्रोविंस यू लिव, डजंट मैटर विच सिटी यू लिव। सो If you're thinking to plan to come into Canada on study visa, choose the right course. पर एक चीज़ याद रखना, अगर आप ट्रेड से रिलेटेड कोर्स लेते हो आफ्टर 12th, तो पहली बात तो आपको 1 ईयर का कोर्स लेना है अपनी होम कंट्री के अंदर, जिस भी मर्जी फील्ड में लो, चाहे प्लम्बर में लो, मैकेनिक में लो, कारपेंट्री में लो, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो, या 6 मंथ्स का लो या 1 ईयर का लो, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो। कनाडा में कोई भी प्रोविंस में, कोई भी सिटी में, कोई भी यूनिवर्सिटी में, कोई भी कॉलेज में ट्रेड से रिलेटेड कोर्स आप ले सकते हो, अदरवाइज आप कैसे कोर्स नहीं ले सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं होगा, अगर आपके पीछे एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप ट्रेड से रिलेटेड कोर्स नहीं ले सकते हो। यू हैव टू शो मिनिमम 6 मंथ्स या 1 ईयर, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस, तभी आप वहाँ पर फॉर्म फिल करो, तभी आप एलिजिबल होगे, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। एंड वंस यू गेट इन टू द ट्रेड, आपको आराम से वर्क परमिट भी मिलता है, एंड इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू द PR आल्सो। सो वीडियो वहीं पे एंड करता हूँ, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी नो कमेंट सेक्शन, एंड स्टार्क वीजा को जरूर फॉलो करना, कमेंट मैं नंबर जरूर मेंशन कर रहा हूँ, यू कैन टॉक टू देम, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग LMI, विस्टा वीजा, स्टडी वीजा, यू कैन DM मी ऑन Instagram। तब तक रिक्वेस्ट, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।